आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 298 संत गरीबदास जी महाराज दी बाणी सत ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 690 तो लिया गया। माया आदि निरंजन पाई अपने जाय आपै खाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला ओम सो का है खेला शिखर सुन मैं तरम अन्यायी जिन शक्ति डायन महल पठाई लाख ग्रास नित उठ दूती माया आदि तखत की कुत्ती सवा लाख कड़िए नित पांडे हंसा उतपती परलय डांडे ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी खोखापुर मैं जीव पुलाए सवपन बहसत वैकुंठ बनाइए यो हर्ट का कुआ लोई या गल बंदा है शब कोई कीड़ी कुंजर और अवतारा हर्ट डोरी बंदे कई बारा अरब अलील इंद्र है पाई हर्ट डोरी बंदे सब आई शेष महेश गणेश्वर ताही हर्ट डोरी बंदे सब आहे शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर्ट डोरी बंदे सब खेवा कोटिक करता फिरता देखिया हर्ट डोरी कहून सुन लेखा चतुर्पूजी भगवान कहावे हर्ट डोरी बंदे सब आवे यो है खोखापुर का कुआ या मैं पड़ा सो निश्चय मुवा ज्योति निरंजन यानी काल बलि दे वश होके ए तीनों देवता यानी रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव अपनी महिमा दिखा के जीवां नू स्वर्ग नरक अते पवसागर विच 84 जूनियान विच पटकांदे रहंदे हन। ज्योति निरंजन अपनी माया तो नागिनी दी तरह जीवां नू पैदा करदा है अते फिर मार दिंदा है जिस प्रकार उसनू नागिनी खा जांदी है। फन मारदे समय कई अंडे फुट जांदे हन क्योंकि नागिनी दे काफी अंडे हुंदे हन जो अंडे फुटदे हन उहनां विचों बच्चे निकलदे हन। जेकर कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम तो अंडियां दे चारों तरफ कुंडली बनाउंदी है फिर उहना अंडियां उत्ते फन मारदी है जिस तो अंडा फुट जांदा है उस विचों बच्चा निकल जांदा है कुंडली यानी शरपनी दी पूछ दा केरा तो बाहर निकल जांदा है ता ओ बच्चा बच जांदा है नहीं ता कुंडली विच ओ नागिनी छड्दी नहीं। जिन्ने बच्चे उस कुंडली दे अंदर हुंदे हन उहना सब नू खा जांदी है। माया काली नागनी आपने जाइए खात कुंडली मैं छोड़े नहीं सौ बातों की बात। इस प्रकार ए काल बली दा जाल है निरंजन तक दी भगती पूरे संत तो नाम लैके करांगे ता भी इस निरंजन दी कुंडली यानी 21 ब्रह्मंडा तो बाहर नहीं निकल सकदे। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरां वाली भी निरंजन दी कुंडली विच हन ए विचारे अवतार तार के आउंदे हन अते जन्म मृत्यु दा चक्कर कटदे रहंदे है। इसलई विचार करो सो जाप जो के तरुव अते प्रहलाद सुखदेव ऋषि ने जपया ओ वी पार नहीं होए क्योंकि श्री विष्णु पुराण दे प्रथम अंश दे अध्याय 12 दे सलोक 93 विच पन्ना नंबर 51 उत्ते लिख्या है कि तरुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुकत है। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 299 इसलई काल लोक विच ही रहे ते ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र जाप करने वाले भगत भी कृष्ण तक दी भगती कर रहे हन ओ भी 84 लाख जूनियां दे चक्कर कट्टन तो बच सकदे। ए परम पूज्य कबीर साहिब जी अते आदरणीय गरीबदास जी महाराज दी बाणी प्रतख प्रमाण दिंदी है। अनंत कोटि अवतार है माया के गोविंद करता हो अवतरे बौर पड़े जग फंड सतपुरुष कबीर साहिब जी दी भगती तो ही जीव मुक्त हो सकता है। जदों तक जीव सतलोक विच नहीं चला जाएगा उदों तक काल लोक विच इस ही तरह कर्म करेगा अते कीती होई नाम अते दान धर्म दी कमाई स्वर्ग रूपी होटलां विच समापत करके वापिस कर्म आधार तो 84 लाख प्रकार दे प्राणियां दे शरीर विच कष्ट सहण वाले काल लोक विच चक्कर कटदा रहेगा। माया यानी दुर्गा तो उत्पन्न होके करोड़ां गोबिंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हन भगवान दा अवतार बन के आए सन फिर कर्म बंधन विच बंध के कर्मां नू भोग के 84 लाख यूनियन विच चले गए। जिवे भगवान विष्णु जी नू देव ऋषि नारद दा श्राप लग गया ओ श्री रामचंद्र रूप विच अयोध्या विच आए फिर श्री राम जी रूप विच बाली दा वध कीता सी उस कर्म दा दंड भोगन दे लई श्री कृष्ण जी दा जन्म होया फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बनया अते अपना प्रतिशोध लिया श्री कृष्ण जी दे पैर विच विषयुक तीर मार के बद कीता। महाराज गरीबदास जी अपनी बाणी विच कहंदे हन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और तरमराय कहिए
इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाये जुगन जुगन हमान छुटाये। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सुर नर मुनीजन ज्ञानी। येता को तो राहना पाया जम के बंदे प्राणी। तरम राये की तुमा तामी जम पर जंग चलाऊ। जौरा को तो जान ना दुगान बंद अदल कर लियाऊ। काल अकाल दोहु को मोसून महाकाल सिर मुंडू। मैं तो तखत हजूरी हुक्मी चोर खोज कू टूंडू। मूला माया मग मैं बैठी हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी पया निरंजन मैं ही करता पाई। सहंस 88 दवीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी। एतियान मैं जम का तलबाना चलिए पुरुष किशोरी। मुला का तो माथा दागू सतकी मोर करूंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊ दरा ना रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा तरम राये है चकवे। सतलोक की सकल सुनावान बाणी हमरी अखवे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 300। काल लोक विच जन्म मरण रूपी हरट चक्कर दा चित्तर दित्ता होया है जिसनु तुसी किताब जीने की राह विच देख सकते हो। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 301। 9 लाख पटन उपर खेलू साहदरे कू रोकून। द्वादस कोटे कटक सब कार्टून हंस पठाओ मोखू। 14 पूवन गमन है मेरा जल थल मैं सरबंगी। खालिक खलक खलक मैं खालिक अविगत अचल अपंगी। अगर अलील चक्कर है मेरा जित से हम चालाए। पंचों पर परवाना मेरा बांध छुटावन ताये। जहां ओमकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही। जहां करता नहीं जान पगवाना काया माया पिंड ना प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही जौरा काल उस दीप नहीं जानही। अमर करू सतलोक पठानु ताते बंदी छोड़ कहाऊ। कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव दी महिमा जिताउंदे होए आदरणीय गरीब दास साहिब जी कह रहे हन कि साडे प्रभु कबीर यानी कबीरदेव बंदी छोड़ हन। बंदी छोड़ दा पावर्थ है काल दी कारागार तो छड़वाउन वाला। काल ब्रह्म दे 21 ब्रह्मंडा विच सर्व प्राणी पापां दे कारण काल दे बंदी हन। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहिब पाप दा विनाश कर दिंदा है। पापा दा विनाश ना ब्रह्म ना परब्रह्म ना ही ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव जी कर सकदे हन। केवल जैसा कर्म है उसदा वैसा ही फल दे दिंदे हन। इस लई यजुर्वेद अध्याय 5 दे मंत्र 32 विच लिख्या है कबीर अंगारिर से कबीरदेव पापा दा शत्रु है। बंपारिर से बंतना दा शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इहना पंजा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया अते धर्म राये तो उपर सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव है जो सतलोक दा मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म ब्रह्म अते ब्रह्मा विष्णु शिव जी अते आदि माया नाशवान परमात्मा हन। महाम पर लह विच ए सब अते इहना दे लोक समाप्त हो जाणगे। आम जीव तो कई हजार गुणा ज्यादा लंबी इहना दी उम्र है परंतु जो समय निर्धारित है वो एक दिन पूरा जरूर होएगा। आदरणीय गरीब दास जी महाराज कहंदे हन शिव ब्रह्मा का राज इंदर गिनती कहां। 4 मुक्ति वैकुंठ समझ येता लहमा। संक जुगन की जूनी उमर बढ़ तरिया। जा जननी कुर्बान सुकागज पारिया। येती उमर बुलंद मरेगा अंतरे। सतगुरु लगे ना कान ना पेंटे संतरे। चाहे संक युग दी लंबी उमर भी क्यों ना होवे ओ एक दिन जरूर समाप्त होएगी। जेकर सतपुरुष परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहिब दे नुमाइंदे पूर्ण संत यानी सतगुरु जो तिन नाम मंत्र यानी जिस विच कोम अते तत जोड़दा निशान सत संकेतिक हन दिंदा है अते उसनु पूर्ण संत द्वारा नाम दान करन आदेश है। उस तो उपदेश लेके नाम दी कमाई करांगे ता असी सतलोक दे अधिकारी हंस हो सकदे हां। सत साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई कम नहीं आएगी क्योंकि निरंजन लोक विच दुख ही दुख है। कबीर जीवन तो थोड़ा ही पला जे सत सुमरन होए। लाख वर्ष का जीवना लेखै तरह ना कोई। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म दी जानकारी स्वयं दसदे हन कि इहना परमात्मा वान तो उपर अशंक पूजावां दा परमात्मा सतपुरुष है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 302। जो सतलोक यानी सच्चखंड यानी सत्ताम विच रहिंदा है अते उस दे अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म यानी काल दे की ब्रह्मंड अते ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति दे लोक
ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਦੇਵ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਹੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਖ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼, ਅਗਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਗਮ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਮਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਬੀਰਦੇਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਦਰਨੀਯ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਬਲ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 839। ਆਪੇ ਸਾਚੂ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜੇ, ਅੰਡਜ ਫੋੜੇ ਜੋੜੇ ਵਿਛੋੜ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕੋਥਾਓ, ਰਾਤ ਦਿਨੰਤੂ ਕੀਏ ਪਾਓ ਪਾਓ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਰਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੂ ਮਹੇਸਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ, ਤਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚੋ ਨਾਓ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਨੁਆਰਿਆ ਲਿਵਲਾਈ, ਪ੍ਰਣਵ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਵੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਰਚੇ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਵੈ ਹੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਬਣ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਅਨੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਣਵਿਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਅੰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1037। ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੋ ਮਹੇਸਾ ਉਪਾਏ, ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ, ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏਦਾ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਰਗੂ ਜੁਜਰ ਅਥਰ ਬਣੂ, ਬ੍ਰਹਮੈ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਉਹ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਏਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 303, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰੋ ਵੇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਗਵੇਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਚਾਹੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਅਰਥਾਤ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 929 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੇ ਓਅੰਕਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤੇ, ਓਅੰਕਾਰੇ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰੇ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓਅੰਕਾਰੇ ਬੇਦ ਨਿਰਮੇ, ਓਅੰਕਾਰੇ ਸਬਦੇ ਉਦਰੇ, ਓਅੰਕਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ, ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹ ਬੀਚਾਰ, ਓਨਮ ਅਖਰ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਯੁੱਗਾਂ ਮਸਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਓਅੰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਮ ਮੰਤਰ ਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਯਾਨੀ ਓਮ ਜ਼ਮਾ ਤਤ ਜ਼ਮਾ ਸਤ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਯਾਨੀ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1038। ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ, ਸਬਦੇ ਰਤੇ ਹਰ ਰਸੇ ਮਤਵਾਲੇ,
रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई है पूरे पागी मिलायदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सचे करबारा नानक निर्मल नादु सबद तुने सचु रामै नाम समायदा उपरोक्त अमृत बाणी दा पावरत है कि वास्तविक ज्ञान देन वाले सतगुरु ता निराले ही हन ओ केवल नाम जाप नू जपदे हन होर हठ योग साधना नहीं दसदे जेकर आपनू तन दौलत पद बुद्धि जा भगती शक्ति भी चाहिए ता ओ भगती मार्ग दा ज्ञान पूर्ण संत ही प्रदान करेगा ऐसा पूर्ण संत बड़े पागां नाल ही मिलदा है ओ पूर्ण संत वर्णन दसेगा कि उपर सुन यानी आकाश विच अपना वास्तविक घर यानी सतलोक परमेश्वर ने रच रख्या है उस विच एक वास्तविक सारनाम दी तुन यानी आवाज हो रही है उस आनंद विच अविनाशी परमेश्वर दे सार शब्द तो समाया जांदा है अर्थात उस असल सुखदाई स्थान विच वास हो सकदा है होर नामा ते अधूरे गुरुआं तो नहीं हो सकदा अंशे कमृत बाणी मला पहला यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 359 अते 360 शिव नगरी मैं आसने बैसो कलप त्यागी बादन सिंगी सब्दो सदा तुने सोहे अहेन से पूरे नादन आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखत किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 304 हर कीरत रहरास हमारी गुरमुख पंथ तीतन सगली ज्योते हमारी सम्या नाना वरन अनेकन कहो नानक सुने परिथर जोगी पर ब्रह्म लिवेकन उपरोक्त अमृत बाणी दा पावत श्री नानक साहिब जी कह रहे हन कि हे परथरी योगी जी आप दी साधना भगवान शिव तक है उस नाल आपनू शिव नगरी यानी लोक विच स्थान मिलिया है अते शरीर विच जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है ओ ओहना कमलां दा है अते टेलीविजन दी तरह प्रत्येक देवलोक तो शरीर विच सुनाई दे रहा है असी ता एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व दे पार जो पूर्ण परमात्मा है होर किसे अते एक परमात्मा विच लौ यानी होर अनन्य मन नाल लगन लगाउंदे हन असी उपरी दिखावा यानी पसम लगाउणा हाथ विच डंडा रखना नहीं करदे मैं ता सर्व प्राणियां नू एक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष दी संतान समझदा हां सर्व उस शक्ति नाल चलायमान हन साडी मुद्रा ता सच्चा नाम जाप गुरु तो प्राप्त करना है अते खिमा करना साडा बाणा पेशपूषा है मैं ता पूर्ण परमात्मा दा उपासक हां अते पूर्ण सतगुरु दा भगती मार्ग इस तो पिन है अमृत बाणी राग आसा मलायक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 420 जिनी नामु विसारिया दूजे परिम पुलाई मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई कृपा ते सुख पाया साचे परथाई गुर की सेवा सो करे जिसो आपे कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पति पाए उपरोक्त अमृत बाणी दा पावर्थ है श्री नानक साहिब जी कह रहे हन कि जो पूर्ण परमात्मा दा असल नाम भुल के होर भगवाना दे नामा दे जाप विच परन रहे हन ओ ता ऐसा कर रहे हन कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा नू छड़ के डालियां यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी दी सिंचाई यानी पूजा कर रहे हन उस साधना तो कोई सुख नहीं हो सकदा अर्थात पौधा सुख जाएगा ता छां विच बैठ नहीं पाओगे पावर्थ है कि साधना विधि रहित करन नाल बेअर्थ यतन है कोई लाभ नहीं इसदा पवित्र गीता अध्याय 16 सलोक 23 अते 24 विच भी है उस पूर्ण परमात्मा नू प्राप्त करन दे लई मनमुखी यानी मनमन्नी साधना त्याग के पूर्ण गुरु नू समर्पण करन नाल ते सच्चे नाम दे जाप नाल ही मोक्ष संभव है नहीं ता मृत्यु दे उपरंत नरक जाएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 843 अते 844 बिलावल मलाइक मैं मन चाओ कणा साचे वगासी राम मोही प्रेम पिरे प्रभ अविनासी राम अविगतो हर नाथ नाथ तिसै पावै सोथी है कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदर तू जी है मैं आतारु तेरा तू खसम मेरा मैं ताणु तकिया तेरो साचे सूचा सदा नानक गुरसबदे चगर निबेरो उपरोक्त अमृत बाणी दा पावर्थ श्री नानक साहिब जी कह रहे हन कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथा दा वी नाथ है आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखत किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 305 अर्थात देवा दा वी देव यानी सर्व प्रभुआ श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी शिव जी अते ब्रह्म अते परब्रह्म उपर वी नाथ है अर्थात स्वामी है मैं ता सच्चे नाम नू हिरदे विच समा चुका हां हे परमात्मा सर्व प्राणी दा जीवन आधार वी आप हो मैं आप दे आश्रित हां आप मेरे मालिक हो
आपने ही गुरु रूप विच आके सतभगती दा निर्णायक ज्ञान दे के सर्व झगड़ा निपटा दिता अर्थात सर्व शंका दा समाधान कर दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 721 राग तिलंग मलायक या कार्ज गुफतम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर क्रीम तू बेअब परवरदिगार नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक उपरोक्त अमृत बाणी विच स्पष्ट कर दिता है के हे हक्का कबीर यानी आप सतकबीर कून करतार यानी शब्द शक्ति नाल रचना करन वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि दे रचनहार हो आप ही बेअब यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व दे पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आप दे दासान दावी दास हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 24 राग सिरी मलायक तेरा एक नाम तारे संसार मैं यहा आसे हो आधार नानक नीच कहे बिचार तानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृत बाणी विच प्रमाण कीता है कि जो काशी विच तानक यानी जुलाहा है एही करतार यानी कुल दा सिरजनहार है। अति अधीन हो के श्री नानक साहिब जी कह रहे हन कि मैं सच कह रहा हाँ कि तानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणा दे संकेतिक ज्ञान तो प्रमाणित होया कि सृष्टि रचना किस तरह होई पूर्ण परमात्मा दी प्राप्ति करनी चाहिदी है जो पूर्ण संत तो नाम लेके ही संभव है। होर संता द्वारा सृष्टि रचना दी दंत कथा होर संता द्वारा जो सृष्टि रचना दा ज्ञान दस्या है वो कैसा है कृपा करके निमन पढ़ो सृष्टि रचना दे विषय विच राधा सुवामी पंथ दे संता दे अते तन तन सतगुरु पंथ दे विचार पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज पन्ना नंबर 102 अते 103 तो सृष्टि रचना सावन किरपाल पब्लिकेशन दिल्ली पहले सतपुरुष निराकार सी फिर इजहार यानी आकार विच आया ता उपर दे तीन निर्मल मंडल यानी सतलोक अलखलोक अगमलोक बन गया अते प्रकाश अते मंडलां दा नाद यानी तुन्नी बन गया। पवित्र पुस्तक सार बचन नसर प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा सृष्टि दी रचना पन्ना नंबर 81 प्रथम तुंदुकार सी उस विच पुरुष सुन समाद विच सन जद कुछ रचना नहीं हुई सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखत किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 306 फिर जदो मौज हुई उदो शब्द प्रगट होया अते उस विच सब रचना हुई पहला सतलोक अते फिर सतपुरुष दी कला नाल तीन लोक अते सब विस्तार होया। एह ज्ञान ता ऐसा है एक समय कोई बच्चा नौकरी ते लगन दे लई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दे लई गया। अधिकारी ने पुछया कि आपने महाभारत पढ़िया है लड़के ने उत्तर दिता कि उंगलियां ते रट रख्या है। अधिकारी ने प्रश्न कीता कि पंजा पांडवां दे नाम दसो लड़के ने उत्तर दिता कि एक भीम सी एक उस दा वड्डा भाई सी एक उस तो छोटा सी एक होर सी अते एक दा नाम भुल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना दा ज्ञान ता ऐसा है सतपुरुष अते सतलोक दी महिमा दसन वाले अते पंज नाम यानी ओमकार ज्योति निरंजन ररंकार सो सतनाम देन वाले अते तीन नाम यानी अकाल मूरत सतपुरुष अते शब्द स्वरूपी राम देन वाले संता द्वारा रची पुस्तकां दा कुछ निष्कर्ष संतमत प्रकाश भाग 3 पन्ना नंबर 76 ते लिख्या है कि सच्चखंड जां सतनाम चौथा लोक है इत्थे सतनाम नू स्थान कहा है। फिर इस संतमत प्रकाश पुस्तक दे पन्ना नंबर 79 ते लिख्या है कि एक राम दशरथ दा बेटा दूसरा राम मन तीसरा राम ब्रह्म चौथा राम सतनाम ए असली राम है। फिर पुस्तक संतमत प्रकाश पहला भाग पन्ना नंबर 17 ते लिख्या कि ओ सतलोक है उस ही नू सतनाम कहा जांदा है। पवित्र पुस्तक सार बचन नसर यानी वार्तक पन्ना नंबर 3 ते लिख्या है कि हुन समझना चाहिदा है कि राधा स्वामी पद सब तो उच्चा मुकाम है कि जिसनू संता ने सतलोक अते सच्चखंड अते सार शब्द अते सतशब्द अते सतनाम अते सतपुरुष करके बयान कीता है। पुस्तक सार बचन नसर आगरा तो प्रकाशित पन्ना नंबर 4 ते भी उपरोक्त ज्यों दा त्यों वर्णन है। पुस्तक सच्चखंड दी सड़क पन्ना नंबर 226 संता दा देश सच्चखंड जां सतलोक है उसनू सतनाम सतशब्द सार शब्द कहा जांदा है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जिवे किसे ने जीवन विच ना ता शहर देख्या ना कार देखी अते ना पेट्रोल देख्या है ना ड्राइवर दा ज्ञान होवे
कि ड्राइवर किस नूं कहिंदे हन अते ओ व्यक्ति होर साथियां नूं कहे कि मैं शहर विच जांदा हां, कार विच बैठ के आनंद मनाउंदा हां। फिर साथियां ने पुछया कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरु जी ने उत्तर दिता कि शहर कहो चाहे कार, इको ही गल है। शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार नूं ही कहिंदे हन, ड्राइवर भी कार नूं ही कहिंदे हन, सड़क भी कार नूं ही कहिंदे हन। आओ विचार करे, सतपुरश ता पूर्ण परमात्मा है, सतनाम ओ दो मंत्र दा नाम है, जिस विच इक ओम जमा तत् संकेतिक है, अते इस दे बाद सारनाम साधक नूं पूर्ण गुरु द्वारा दिता जांदा है। ए सतनाम अते सारनाम दोनों सिमरन करने दे नाम हन। सतलोक ओ स्थान है जिथे सतपुरश रहिंदा है। पुन आत्मावान खुद निर्णय करो सत अते असत दा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 307। भगती मर्यादा नाम लैण वाले व्यक्तिया लई जरूरी जानकारी। नंबर 1, पूर्ण गुरु तो दीख्या लैनी चाहीदी है। पूर्ण गुरु दी पहचान अज कलयुग विच भगत समाज दे सामने। पूर्ण गुरु दी पहचान करना सब तो जटिल प्रश्न बनिया होया है, लेकिन इसका बहुत ही लघु अते साधारण उत्तर यह है कि जो गुरु शास्त्रां दे अनुसार भगती करता है अते अपने अनुयायन अर्थात भगता द्वारा कराउंदा है, वह पूर्ण संत है, क्योंकि भगती मार्ग का संविधान है। धार्मिक शास्त्र जिवे कबीर साहिब की बाणी, नानक साहिब जी की बाणी, संत गरीबदास जी महाराज जी की बाणी, संत धर्मदास जी साहिब की बाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं जो संत शास्त्रां दे अनुसार भगती साधना दसदा है अते भगत समाज नू मार्ग दर्शन करदा है, ता ओ पूर्ण संत है, नहीं ता ओ भगत समाज दा कोर दुश्मन है जो शास्त्रां दे विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म नाल खिलवाड़ कर रहा है। अजिहे गुरु जां संत नू भगवान दे दरबार विच कोर नरक विच उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण दे तौर ते जिवे कोई अध्यात्मिक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम तो बाहर दी सिख्या दिंदा है ता ओ उहना विद्यार्थियां दा दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 दा सलोक नंबर 15, ना माम दुष्कृतिन मूडा परपदयंते नरादमा मायया अपहरत गयाना आसुरम पावम आश्रिता। अनुवाद, माया द्वारा जिन्हां दा ज्ञान हरिया जा चुका है अजिहे असुर सुभा नूं धारण करे होए मनुखां विच्चों नीच दुष्कर्म करन वाले मूर्ख मैनू नहीं पजदे, अर्थात ओ तिन्नों गुणा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव दी साधना ही करदे रहिंदे हन। यजुर्वेद अध्याय नंबर 49 सलोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा पाशा पाशे अन्नय देवाहो संबादने दाहुर संभवात इति शुरशुम तीरनाम ये नस्त दिवच चशिरे। अनुवाद, परमात्मा दे बारे विच समान रूप विच निराकार अर्थात कदे ना जन्म ने वाला कहिंदे हन, दूसरा आकार विच अर्थात जन्म लैके अवतार रूप विच आउण वाला कहिंदे हन, जो टिकाओ अर्थात पूर्ण ज्ञानी चंगी प्रकार सुणाउंदे हन। उहनां नूं इस प्रकार सही तौर ते उही समरूप अर्थात यथार्थ रूप विच भिन्न भिन्न रूप विच प्रतख ज्ञान करवाउंदे हन। अध्याय 4 दा सलोक 34, तत् विद्धि प्रण पातेन परिप्रशनेन सेविया उपदेक शयंते ते गयानम गयानिन तत्व दर्शिन। अनुवाद, अनुवाद, उसनू समझ उस पूर्ण परमात्मा दे वास्तविक ज्ञान समाधान नू जानन वाले संतां नू पलीपांति दंडवत प्रणाम करन नाल अते उहना दी सेवा करन नाल अते कपट छड के सरलता पूर्वक प्रश्न करन नाल ओ परमतत्व नू पलीपांति जानन वाले ज्ञानी महात्मा तैनू उस तत्व ज्ञान दा उपदेश करनगे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 308। नंबर 2, नशीलियां वस्तुओं दा सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खुलास, सुंगना, गुटका, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा अते होर नशीलियां चीज़ां दा सेवन ता दूर रहा, किसे नू चीज़ां लिया के भी नहीं देनियां हन। बंदी चौट गरीबदास जी महाराज इन्हां सब नशीलियां वस्तुआं नू बहुत बुरा दसदे होए अपनी बाणी विच कहिंदे हन कि सुरापान मदमासाहारी गमन करै पोगै परनारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा होवे डोले,
मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवत है, लाल मिलावे तूर, इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर। गरीब सो नारी जारी करे, सूरा 500 बार, एक चिलम हुक्का परे, डूबे काली तार। गरीब सूर गऊ को खात हो, पगती बेहुनेन राड, पांग तंबाकू खा गए, सो चाबत है हाड। गरीब पांग तंबाकू पीव ही, सूरा 500 हेत, गोस्त मिट्टी खाए कर, जंगली बनो परेत। गरीब पान तंबाकू चाब ही, नास नाक मैदेत, सो तो इराने गए, ज्यो पड़ पूजे का रेत। गरीब पांग तंबाकू पीव ही, गोस्त गला कबाब, मोर मिर्ग कुन पखत है, देगे कहां जवाब। नंबर 3, तीर्थ स्थाना उत्ते जाना निषेध, किसे तरह दा कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, ना कोई गंगा नहाना आदि करना, ना किसी होर धार्मिक स्थान उत्ते इशनान ते दर्शन लई जाना है, किस मंदिर ते इशट ताम विच पूजा अते भगती दे भाव नाल नहीं जाना, कि इस मंदिर विच भगवान है, भगवान कोई पशुता है नहीं, कि उसनू पुजारी जी ने मंदिर विच बन रख्या है, भगवान ता कण कण विच व्यापक है, ए सब साधना शास्त्रां दे विरुद्ध हन। जरा विचार करके देखो कि ये सब तीर्थ स्थान जिवे जगन्नाथ दा मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी ताम, छुड़ानी ताम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ते इष्ट ताम आदि अजिहे स्थान हन जिथे कोई संत रहिंदे सन, ओह उत्थे अपनी भगती साधना करके अपना भगती रूपी धन जोड़ के शरीर त्याग के अपने ईष्ट देव दे लोक चले गए। उदो पिछों उहना दी यादगार नू प्रमाणित रखण दे लई उत्थे किसे ने मंदिर, किसे ने मस्जिद, किसे ने गुरुद्वारा, किसे ने चर्च जां किसे ने धर्मशाला आदि बनवा दित्ती, ताकि उहना दी याद बनी रहे अते साडे जिहे तुच्छ प्राणियां नू प्रमाण मिलदा रहे कि सानू अजिहे कर्म करने चाहीदे हन जिवें कि ए महान आत्मावान ने कीते हन। ए सब धार्मिक स्थान सानू सब नू ए संदेश दिंदे हन कि जिवें भगती साधना करन वाले अते दसन वाले संतां नू तलाश करो अते फिर जैसा ओ कहण वैसा ही करो। लेकिन बाद विच उहना स्थाना दी ही पूजा आरंभ हो गई जो कि बिल्कुल बेअर्थ शास्त्रां दे विरुद्ध है। ए सारे स्थान ता इक अजिहे स्थान दी तरह हन जिथे किसे हलवाई ने पठी बना के जलेबी लड्डू आदि बना के आप खा के अते अपने सगे साथियां नू खिला के चले गए। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 309। उस तो बाद उस स्थान उत्ते ना ता हलवाई है ना ही मठियाई, फिर ता उत्थे केवल पठी ही है। ओ ना ता सानू मठियाई बनाउणा सिखा सकदी है ता ना ही साडा पेट यानी उदर भर सकदी है। हुण कोई कहे कि आओ पाई आप नू ओ पठी दिखा के लियाऊंगा जिथे एक हलवाई ने मठियाई बनाई सी, चलो चलदे हां। उत्थे जाके उस पठी देख लिया अते उस दे 7 चक्कर भी कटाए कि आप नू मठियाई मिली, कि आप नू मठियाई बनाउण दी विधि दसण वाला हलवाई मिलिया। इस दे लई आप नू वैसा ही हलवाई खोजना होएगा जो सब तो पहला आप नू मठियाई खिलाए अते बनाउण दी विधि भी दसे, फिर जिवे ओ कहे केवल ओ करना होर कुछ नहीं। ठीक इस तरह तीर्थ स्थाना दी पूजा ना करके वैसे ही संता दी तलाश करो जो शास्त्रां दे अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब दी भगती करदे अते दसदे होण, फिर जिवे ओ कहण केवल ओ करना अपनी मनमन्नी नहीं करनी। सामवेद संख्यान नंबर 1400, उताचरिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, सलोक नंबर 5, संत रामपाल जी द्वारा पाशा पाशे पदरा वस्त्रा समंगवसानो महान कविर निबचनाने शंसन आ वचससव चमवो पुईमानो विचक्षणो जागरविर देववीतो अनुवाद। चतुर व्यक्तिया ने अपने बचना द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म दी पूजा दा सतमारक दर्शन न करके अमृत दे स्थान उत्ते आण उपासना जिवे पूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध कढ़ना, तीनों गुणा दी पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर अते ब्रह्म काल दी पूजा मंदर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चा अते तीर्थ वरत तक दी उपासनान रूपी फौड़े अते जखम तो निकले मवाद नू आदर दे नाल आचमन करा रहे हुंदे हन, उसनू परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब सह शरीर साधारण पेशपुषा विच वस्त्र दा अर्थ है पेशपुषा, संत भाषा विच इसनू चोला भी कहिंदे हन, जिवें कोई संत शरीर त्याग जांदा है
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸਤਲੋਕ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰਾ ਤੇਜਪੁੰਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਤਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਇ 16 ਦਾ ਸਲੋਕ 23। यह शास्त्रविदम उत्सृजाय वर्तते कामकार्तः न सह सिद्धिम अवाप्नोते न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद, जो पुरुष शास्त्र विधि नु त्याग के अपनी इच्छा नाल मन मुखी आचरण करता है ओ न सिद्धि नु प्राप्त हुंदा है न परमगति नु अते न सुख नु ही। अध्याय 6 दा सलोक 16। ना अते अश्नतः तु योगः अस्ते ना चा एकांतम अनशनतः ना चा अते सवपंशीलसय जागृतः ना एव चा अर्जुन। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 310। अनुवाद, हे अर्जुन, ए योग अर्थात भक्ति ना ता बहुत खान वाले दा अते ना बिल्कुल ना खान वाले दा ना एकांत स्थान उत्ते आसन लगा के साधना करन वाले दा अते ना बहुत सोने वाले दे सुभा वाले दा अते ना सदा जागण वाले दा ही सिद्ध हुंदा है। पूजै देई ताम को शीश हलावै जो गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर, गंगा काठे कर करे पीवै निर्मल नीर, मुकत हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर, तीर्थ कर कर जग मुवा उडै पानी नहाए, राम ही नाम ना जापा काल कसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजे जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मते रहो परोसे। कबीर, पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। नंबर 4, पितर पूजा निषेध, किसे तरह दी पितर पूजा श्राद्ध कढ़ना आदि नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन्हां पितरां दी ते पूता दी पूजा करन तो साफ मना कीता है। गीता जी दे अध्याय 9 सलोक नंबर 25 विच कहा है कि यान्ति देववर्ता देवान पितरी रीन, यान्ति पितरी वर्ता पूताने, यान्ति पूतज्या, यान्ति मद्याजिन अपे माम। अनुवाद, देवतावां नूं पूजण वाले देवतावां नूं प्राप्त हुंदे हन, पितरां नूं पूजण वाले पितरां नूं प्राप्त हुंदे हन, पूता नू पूजन वाले पूता नू प्राप्त हुंदे हन, अते मत अनुसार पूजन करन वाले भगत मेरे तो ही लाभपात्री हुंदे हन। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज अते कबीर साहिब जी महाराज भी कहंदे हन, गरीब पूत रमे सो पूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुर पेव। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर दी भक्ति करो जिस नाल पूर्ण मुक्ति होवे। ओ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष यानी सत कबीर है। इस दा प्रमाण गीता जी दे अध्याय नंबर 18 दे सलोक नंबर 46 विच है। यतः प्रवृत्ति पूतानाम येन सर्वमिदम ततम सवकर्मणा तंपयचरय सिदीम विंदति मानव। अनुवाद, जिस परमेश्वर तो संपूर्ण प्राणियां दी उत्पत्ति हुई है अते जिस तो ये सारा संसार व्यापक है, उस परमेश्वर दी अपने सुभाविक कर्मा द्वारा पूजा करके मनुख परम सिद्धि नूं प्राप्त हो जांदा है। गीता जी दा अध्याय नंबर 18 दा सलोक नंबर 62। तमेव श्रणम गच्छ स्रव पावेन पारत तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रापसयासे शाश्वतम। अनुवाद, हे पार्थ वंशो पंद्रव अर्जुन, तू सर्व पाव नाल उस ईश्वर दी ही शरण विच चला जा, उस दी कृपा नाल तू परम शांति यानी संसार तो सर्वथा उपरित नूं अते अविनाशी परम पद नूं प्राप्त हो जाएगा। सर्व पाव दा अर्थ है कि कोई होर पूजा ना करके मन कर्म बचन तो एक परमेश्वर विच आस्था रखना। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 311। अध्याय 8 सलोक 22। पुरुषः सपर पारथ पक्तया लभ्य सत्बनन्यया यस्यानतः स्थानी पूतानी येन सर्वमिदं ततम। अनुवाद, हे पार्थनंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिस दे अंतर्गत हन अते जिस नाल ए संपूर्ण संसार व्यापत है, ओ परम पुरुष परमात्मा ता अनन्य भक्ति तो प्राप्त होण योग है। अनन्य भक्ति दा तात्पर्य यानी मतलब है एक परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म दी भक्ति करना। दूसरे देवी देवत्या अर्थात तीनों गुणा
यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव दी नहीं। गीता जी दे अध्याय नंबर 15 सलोक नंबर 1 तो 4, गीता अध्याय नंबर 15 दा सलोक नंबर 1, ओरदव मूलम अद शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसे यसय प्रणाने यह तम वेद सह वेदवित। अनुवाद, ऊपर नू जड़ वाला, नीचे नू शाखा वाला, अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पिपल दा रुख है, जिस दे छोटे छोटे हिस्से जां टहनियां पत्ते कहे हन। उस संसार रूप रुख नू जो इस प्रकार जानदा है, ओ पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 दा सलोक नंबर 2, अदे चा उरद्वरम परशर्ता तसय शाखा गुणापर वरद्दा विषय पर वाला अदे चा मूलाने अनुसंतताने क्रमानुबंदीने मनुष्यलोके। अनुवाद, उस रुख दी नीचे अते उपर तिन्नो गुण ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी फैली होई। विकार काम क्रोध लोभ हंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव नू कर्म विच बनन दा वी जड़ अर्थात मुख कारण हन। अते मनुख लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक विच नीचे 84 लाख जूनिया विच उपर व्यवस्थित कीते होए हन। गीता अध्याय नंबर 15 दा सलोक नंबर 3, ना रूपम असय ए अते उपलबयते ना अंतह ना चा आदिह ना चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगशस्त्रेण दर्डेन छित्वा। अनुवाद, इस रचना दा ना ही शुरुआत अते ना ही अंत है, ना ही वैसा स्वरूप पाया जांदा है, अते इत्थे विचार काल विच अर्थात मेरे द्वारा दिता जा रहा गीता ज्ञान विच पूर्ण जानकारी मैनू भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मंडा दी रचना दी चंगी तरह स्थिति दा मैनू भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान दे द्वारा कट के अर्थात निरंजन दी भगती नू क्षणिक जान के गीता अध्याय नंबर 15 दा सलोक नंबर 4, ततः पदम तत्परिमागरितव्यम यसिमन गता ना निवतर नति पुयः तमेव चादम पुरुषम परपदे यतः परर्त्रीति परशर्ता पुराणी। अनुवाद, उस दे बाद उस परमपद परमात्मा दी खोज करनी चाहिदी है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 312, जिसनु प्राप्त होए मनुख फिर परत के संसार विच नहीं आउंदे अते जिस तो अनादिकाल तो चली आउन वाली सृष्टि विस्तार नु प्राप्त होई है, उस आदि पुरुष परमात्मा दे ही मैं शरण विच हाँ। इस प्रकार खुद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवत्यां दा राजा दी पूजा भी छड़वा के उस परमात्मा दी भगती करन दे लई ही प्रेरणा दित्ती सी, जिस कारण उहना ने गोवर्तन पर्वत नु चुक के इंदर दे गुस्से तो बिरज वासियां दी रख्या कीती सी। गरीब इंदर चढ़ा बिरज डोबन पीगा पीत ना लेव, इंदर कढ़ाई होत जगत में पूजा खा गए देव। कबीर, इस संसार को समझाओ कै वार, ऊंच जो पकड़े पेड़ की उतरे चाहे पार। नंबर 5, गुरु आज्ञा दा पालन। गुरुदेव जी दी आज्ञा दे बिना घर विच किसी भी प्रकार दा धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जिवे बंदी छौड़ अपनी बाणी विच कहंदे हन के गुरु बिन यग हवन जो कर ही मिथ्या जाए कभू ना फल ही। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। नंबर 6, माता मसाणी पूजा निषेध। अपने खेत विच बनी मड़ी जां किसे खेड़े आदि दी जां किसे होर देवता दी समाधि नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसे दी भी होवे बिल्कुल नहीं पूजनी, होर कोई उपासना नहीं करनी है। इत्थो तक के तिन्नो गुणा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव दी पूजा भी नहीं करनी है, केवल गुरु जी दे दसे अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 दा सलोक नंबर 15, ना माम दुष्कृतिन मूडा परपदयन्ते नरादमा मायया अपहरत गयाना आसुरम पावम आश्रिता। अनुवाद, माया द्वारा जिन्हां दा ज्ञान हरिया जा चुका है अजेहे अशुर सुबात नू तारण करे होए मनुखां विच्चों नीच बुरे कर्म करन वाले मूर्ख मेरा भजन नहीं करदे, अर्थात ओ तिन्नों गुणा यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव दी साधना ही करदे रहंदे हन। कबीर, माई मसानी सेठ शीतला पैरव पूत हनुमंत परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर, 100 वर्ष सतगुरु की सेवा एक दिन आणो पासी वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। गुरु को तजय पजय जो आना
तापसुआ को फोकट ज्ञाना। नंबर 7, संकट मोचन कबीर साहिब हन। करम कष्ट यानी संकट होन उत्ते कोई होर इष्ट देवता दी जा माता मसानी आदि दी पूजा कदी नहीं करनी चाहिदी है, ना किसे प्रकार दी पुछया पुछनी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब नू पूजना है जो सब दुखा नू हारन वाले संकट मोचन हन। सामवेद नंबर 822 उताचरिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 सलोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा पाशा पाशे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 313। मनीषिप पवते पूर्वय कविर नरीपीत परे कोशाम अशिच्यदत त्रित्सय नाम जनयन्दु छर्निनद्रसय वायमु सखायाय वर्दयन। अनुवाद सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय तो चाहुन वाले श्रद्धा भक्ति करन वाले भगत आत्मा नु तेनन मंत्र उपदेश दे के जन्म ते मृत्यु तो रहित करदा है ते उसदे प्राण अर्थात जीवन सवानसान नु जो संस्कार वश अपने मित्रां अर्थात भगत गिनती दे पाए होए हुंदे हन नू अपने भंडारे तो पूर्ण रूप विच वधाउंदा है, जिस कारण करके परमात्मा दे वास्तविक आनंद नू अपने आशीर्वाद प्रसाद नाल प्राप्त करवाउंदा है। कबीर देवी देव ठाडे पए हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार, ये दो असल मजूर है सतगुरु के दरबार। नंबर 8 अनलोड़ीदा दान निषेध। किते भी अते किसे नू दान रूप विच कुछ नहीं देना है, ना पैसे ना बिना सिलिया कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। जेकर कोई दान रूप विच कुछ समान मंगन आए ता उसनू खाना खुवा देवो, चाह दुध लस्सी पानी आदि पिला देवो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। ना जाने ओ भिखारी उस पैसे दा दुरुपयोग करे। जिवे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी नू उसदी झूठी कहानी जिस विच ओ कह रहा सी कि मेरे बच्चे बिना इलाज दे तड़प रहे हन कुछ पैसे देण दी कृपा करो नू सुन के भावना वस होके 100 रुपए दे दित्ते। ओ भिखारी पहला पौआ शराब पींदा सी। उस दिन उस व्यक्ति ने अद्धी बोतल शराब पीती अते अपनी पत्नी नू कुट दित्ता। उस दी पत्नी ने बच्चियां सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा कीता होया दान उस परिवार दे नाश दा कारण बनया। जेकर आप चाहुंदे हो कि अजिहे दुखी व्यक्ति दी मदद करो ता टरां उस दे बच्चियां नू डाक्टर तो दवाई दवा देण पैसा ना देण। कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निशफल है पूछो वेद पुराण। नंबर 9 जूठा खाना निषेध। अजेहे व्यक्ति दा जूठा नहीं खाना जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि दा सेवन करदा होवे। नंबर 10 सतलोक गमन यानी देहांत दे बाद क्रिया कर्म निषेध। जेकर परिवार विच किसे दी मौत हो जांदी है चिता विच अग्नि कोई वी दे सकदा है, घर दा जा होर अते अग्नि प्रज्वलित करदे समय मंगलाचरण बोल देओ ता उस दे फुल आदि कुछ नहीं उठाउणे हन। जेकर उस स्थान नू साफ करना जरूरी है ता उहना अस्थियां नू चुके के खुद ही किसी स्थान उत्ते चलदे पानी विच वहा देओ। उस समय मंगलाचरण उचारण कर देओ, ना पिंड आदि परवाउणे हन, ना तेरवी छमाही बरसोदी पिंड वी नहीं परवाउणे हन अते श्राद आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी होर व्यक्ति तो हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी ते रिश्तेदारां आदि जो शोक व्यक्त करन आए उहना दे लई कोई भी एक दिन नियुक्त करो। उस दिन प्रतिदिन करन वाला नित नियम करो, ज्योति जागृत करो, फिर सारिया नू खाना खिलाओ। जेकर अपने उस दे मरण वाले दे नाम उत्ते कुछ धर्म करना है ता अपने गुरुदेव जी दी आग्या लै के बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी दी अमृत बाणी दा आखंड पाठ करवाना चाहिदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 314। जेकर पाठ करन दी आग्या ना मिले ता परिवार दे उपदेशी भगत 4 दिन जा 7 दिन घर विच एक आखंड जोत की दी जलाओ अते ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 वार अते 3 जां 1 वार दे मंत्र दा दान संकल्प सतलोक वासी नू करो। जैसा उचित समझो 1-2-3 तक मंत्र दे जाप दा फल उसनू दान करो। प्रतिदिन दी तरह ज्योति अते आरती नाम सिमरन करदे रहना है। ए याद रखदे होए कि कबीर साथी हमारे चले गए हम वी चालन हार, कोई कागज मैं बाकी रह रही ताते लाग रही है वार।
कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ चूठा सभी पटीट, पंछी उड़ता आकाश को चलता कर गया बीट, कर्म कांड दे वशे वदिच सत कथा, मेरे यानी संत रामपाल दास दे। पूजे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज नू 16 साल दी उमर वदिच कसे महात्मा दे सत्संग सुनन नाल वैराग हो गया सी। एक दिन ओ खेता विच गए हुए सन, कोल ही वण सी, ओ वण विच जाके किसे मृत जानवर दी हड्डियां दे कोल अपने कपड़े फाड़ के सुट जांदे हन अते खुद महात्मा जी दे नाल चले जांदे हन। जदो उहना दी खोज होई ता उहना दे घर वालिया ने देखिया कि वण विच हड्डियां दे कोल फटे हुए कपड़े पए हन, ता उहना ने सोचिया कि किसे जंगली जानवर ने उहना नू खा लिया है। उहना दे कपड़िया ते हड्डियां नू चुक के घर लियांदा अते अंतिम संस्कार कर दिंदे हन। उस दे बाद तेरवी अते छमाही करदे हन अते फिर श्राद शुरू हो जांदे हन। जदो मेरे पूजे गुरुदेव बहुत विरद हो गए ता ओ एक वार घर लै गए। उदो उहना घर वालिया नू ए पता चलिया कि ओ व्यक्ति जीवत हन अते घर छड के चले गए सन। उहना ने दस्या कि जदो ए घर छड के चले गए सन ता उहना दी खोज होई, वण विच कपड़े मिले, उहना दे कोल कुछ हड्डियां पईया सी, ता असी सोचिया कि किसे जंगली जानवर ने इहना नू खा लिया है अते उहना दे कपड़िया ते हड्डियां नू घर लिया के अंतिम संस्कार कर दिता। फिर मैं यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूजे गुरुदेव दे छोटे भाई दी पत्नी नू पुछया कि जदो साडे पूजे गुरुदेव घर छड के चले गए सन ता आप बाद विच की कीता। उसने दस्या कि जदो मैं व्याही आई सी ता उस समय इहना दे शराद कड्डे जांदे सन। मैं अपने हत्थां नाल इहना दे लगभग 70 शराद कड चुकी हां। उसने दस्या कि जदो घर विच कोई नुकसान हो जांदा ता जिवे कि मझ दा दुध ना देना, थण विच खराबी आ जाना, कोई होर नुकसान हो जाना आदि ता असी सियाणियां दे कोल बूजण दे लई जांदे सन। ता ओ कहिंदे सन कि आप दे घर विच कोई निरसंतान यानी अनमैरिड मरिया होया, आप नू ओ दुखी कर रहा है। फिर असी उहना दे कहण ते कपड़े आदि दिंदे हां। उदो मैं कहा कि इह ता दुनिया दा उदार कर रहे हन, ओ किस नू दुख दे सकदे सन, इह ता हुण सुख दाता हन। फिर मैं यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस विरद नू कहा कि हुण ता आप दे सामने हन, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 315। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इस विच प्रमाणित हुंदा है कि श्राद कड़ना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ हन। नंबर 11, बच्चे दे जन्म उत्ते शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे दे जन्म उत्ते छठी आदि नहीं मनाउणी है। सुतक दे कारण प्रतिदिन दी तरह करन वाली पूजा, भगती आरती, ज्योति जगाउणा आदि बंद नहीं करनी है। इस ही संदर्भ विच एक संखेप विच कथा दसदा हां कि एक व्यक्ति दी शादी दे 10 साल पिछों पुत्र होया सी। पुत्तर दी खुशी विच उसने बहुत खुशी मनाई, 20-25 पिंडां नू भोजन दे लई आमंत्रित कीता अते होर बहुत ही गाउणा वजाउणा होया, अर्थात काफ़ी पैसा खर्च कीता। फिर एक साल दे बाद उस पुत्तर दा देहांत हो जांदा है। फिर ओ ही परिवार टक्कर मार के रोंदा है अते अपने दुरभाग नू कोसदा है। इस लई कबीर साहिब कहिंदे हन कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यो चीटी का नाल। कबीर पच्चड़ आवत देख के बण रोवे मन मान ही, ऊंची टिणी पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात चढ़नता यू कहे सुन पई तरवर राय, अब के विछड़े नहीं मिले ना जाने कहा गिरेगे जाए। कबीर तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। नंबर 12, देई ताम उत्ते बाल उतरवाउण जाना निषेध। बच्चे दे किस देई ताम उत्ते वाल उतरवाउण नहीं जाना है। जदो देखो वाल वड्डे हो गए कटवा के सुट दियो। एक मंदिर विच देखिया कि शरदालु भगत अपने लड़के जां लड़कियां दे वाल उतारन आए। उत्थे उपस्थित नाई ने बाहर दे रेट तो 3 गुणा पैसे लै दे अते एक कैंची पर वाल कट के माता पिता नू दे दित्ते। उहना ने शरदा नाल मंदिर विच चढ़ा दित्ते। पुजारी ने एक थैले विच पा लए।
रात नू उठ के दूर एकांत स्थान उत्ते सुट दित्ते। ए केवल नाटकबाजी है, क्यों ना पहला दी तरह सुभाविक तरीके नाल वाल उतरवाउंदे रहिए अते बाहर पा दईए। परमात्मा नाम तो प्रसन्न हुंदा है, पाखंड तो नहीं। नंबर 13, नाम जाप नाल सुख। नाम यानी उपदेश नू केवल दुख निवारण दी दृष्टिकोण नाल नहीं लेना चाहिदा, बल्कि आत्म कल्याण दे लई लेना चाहिदा है। फिर सिमरन नाल सर्व सुख अपने आप ही आ जांदे हन। कबीर, सिमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर, सुमरन किए साई माही समाए। नंबर 14, व्यभिचार निषेध। पराई स्त्री नू मां बेटी पैण दी दृष्टि नाल देखना चाहिदा है। व्यभिचार महाम पाप है, जिवे गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सूरा पान मद मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम, पर नारी ना परसियो, मानो बचन हमार। पवन चतुर्दश तास सिर, त्रिलोकी का पार, पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सलतंत, धर्म राय के खंभ से, अरदमुखी लटकंत। नंबर 15, निंदा सुनना ते करना निषेध। अपने गुरु दी निंदा भुल के भी नहीं करनी अते ना ही सुननी है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 316। सुनन दा भाव ए है कि जेकर कोई तुहाडे गुरु जी दे बारे मिथ्या गल्ला करे, ता उस नाल लड़ना नहीं है, बल्कि ए समझाउणा चाहिदा है कि ए बिना सोचे बोल रहा है, अर्थात झूठ बोल रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, शुकर सुवान गर्भ मैं पर ही। निंदा ता किसे दी भी नहीं करनी है अते ना ही सुननी है, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना होवे। कबीर साहिब कहिंदे हन कि तिनका कभू ना निंदिए जो पाव तले हो, कभू उठाखिन पड़े पीर कनेरी हो। नंबर 16, गुरु दर्श दी महिमा। सत्संग विच समय मिलदे ही आउण दी कोशिश करो, अते सत्संग विच नखरे यानी माण वड्याई करन नहीं आउणा, सगो अपने आप नू बीमार समझ के आवो। जिवे कि एक बीमार व्यक्ति चाहे किन्ने ही पैसे वाला होवे, चाहे उच्च पदवी वाला होवे, जदों ओ हस्पताल जांदा है ता उस समय उसका उद्देश सिर्फ रोग मुक्त होना हुंदा है। जिथे डॉक्टर लेटण नू कहे लेट जांदा है, बैठण लई कहे बैठ जांदा है, बाहर जाण दा निर्देश मिले ता बाहर चला जांदा है, फिर अंदर आउण दी आवाज आवे ता चुप करके अंदर आ जांदा है। ठीक इस ही प्रकार जेकर आप सत्संग विच आउंदे हो ता आप नू सत्संग विच जिथे बैठण नू मिल जाए बैठ जाओ, जो खाण नू मिल जाए उस परमात्मा कबीर साहिब दी रजा नाल प्रसाद समझ के खा के प्रसन्नचित रहो। कबीर, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर, संत मिलन को जाइए दिन मैं कई कई वार, आसोज के मेह ज्यो कना करे उपकार। कबीर, दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे मैं वोहे कड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर, दर्शन साधु का मुख पर वसै सुहाग, दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूरण पाग। नंबर 17, गुरु महिमा। जेकर कित्ते पाठ जां सत्संग चल रहा होवे, जां वैसे गुरु जी दे दर्शन अर्थ जांदे हो, ता सर्व प्रथम गुरु जी नू दंडवत लंबा लेट के प्रणाम करना चाहिदा है। बाद विच सत ग्रंथ साहिब अते तस्वीरा जिवे साहिब कबीर जी दी मूर्ति, गरीबदास जी दी अते स्वामी रामदेवानंद जी अते गुरु जी दी मूर्ति नू प्रणाम करो, जिस नाल सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा विच नहीं आउदा, ए ता भगत दी शरदा नू बनाए रखण विच सहयोग दिंदा है। पूजा ता वकत गुरु अते नाम मंत्र दी करनी है, जो पार लगाएगा। कबीर, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दिए मिलाए। कबीर, गुरु वड्डे गोबिंद से मन मैं देख विचार, हर सुमरे सो रह गए गुरु पजे होए पार। कबीर, हर के रूठत्या गुरु की शरण मैं जाए, कबीर गुरु जे रूठ जा हर नहीं होत सहाय। कबीर, सात समुंदर की मसी करूं लेखनी करूं बन राए, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। नंबर 18, मांस खाना निषेध। अंडा ते मांस खाना ते जीव हिंसा नहीं करनी है, ए महाम पाप हुंदा है, जिवे साहिब कबीर जी महाराज अते गरीब दास जी महाराज ने दस्या है।